Hey guys, what's up? I am Saurav Rajputur, Real Adventure. Good morning from Kathmandu, Nepal. So, पेश है एक और नया सफर, एक और नई बस जर्नी और आज मैं जाने वाला हूँ कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू टू कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इन DTC वॉल्वो P8R. बस यहाँ से प्रस्थान होगी 10 बजे. बस का किराया है करीबन 2800 रुपये. दिल्ली पहुँचा देगी अप्रॉक्सीमेट 12-1 बजे के आसपास. कंफर्म नहीं है बट दिल्ली जब पहुंचेगी तभी पता चलेगा क्योंकि रास्ते कंडीशन वगैरह ख़राब है. बस का डिपार्चर होगा स्वयंभू काठमांडू कारखाना चौक से. तो टाइम अभी ज़्यादा नहीं बच रहा है तो चलिए पहले चलते हैं. बाकी ये है अपना रूम होटल चॉइस का. जैसे मैं आपको बता रहा था काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है. बाकी वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है. रूम का फेयर थोड़ा सा बेशक से ज़्यादा है लेकिन यार रूम जो है ना साफ़ सुथरे हैं. लास्ट टाइम जब मैं काठमांडू आया था तब भी मैं यहाँ स्वयंभू में रुका था. उस टाइम मुझे रूम का जो फेयर था वो कम पड़ा था लेकिन जो रूम था यार वो बस काम चलाऊ था. तो यहाँ पे फेयर भले ही ज़्यादा है लेकिन रूम नीट एंड क्लीन है और यहाँ का खाना भी बढ़िया है. चलो ठीक है सर, मिलते हैं फिर. क्या नाम है अभी आपका वैसे? सुभाष. सुभाष भैया यहाँ पर आपको रिसेप्शन में मिलेंगे होटल चॉइस के. तो अगर कभी आ रहे हो तो यहाँ पर आप रुक सकते हो. और ये इधर हमारे मौजूद है पटना से काठमांडू वाले बस के ड्राइवर साहब. ठीक हो ड्राइवर साहब? मिश्रा जी ठीक हो ड्राइवर साहब? चलो दोबारा पटना आएंगे तो मिलेंगे फिर. चलो ठीक है सर, मिलते हैं. वैसे मेरा दिल्ली वापस जाने का प्लान नहीं था. मेरे जो प्लान था काठमांडू से पोखरा जाने का था. यहाँ पे एक स्पेशल बिजनेस क्लास बस चलती है जिसमें सोफा सीट्स रहती हैं तो उसमें कल और परसों दोनों दिन की सीट्स अवेलेबल नहीं थी. तो मैंने सोचा यार यहाँ रुक के फिर ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं. दूसरा ऑप्शन ये बचता था कि यहाँ से मैं जाऊँ सिलीगुड़ी क्योंकि यहाँ से एक बस चलती है सिलीगुड़ी के लिए और सिलीगुड़ी का मेरा ऐसा कुछ अभी प्लान था नहीं. तो मैंने सोचा कि दिल्ली वापस चलते हैं और सडनली मैंने DTC की बस की टिकट बुक कराई और सोचा कि नई वॉल्वो है तो चलो एक बार दोबारा DTC की वॉल्वो के साथ सफ़र कर लेते हैं. देखो ये आ गई वो काठमांडू सिलीगुड़ी वाली बस जिसकी अभी मैं बात कर रहा था. अभी मेरा प्लान नहीं है लेकिन फ्यूचर में जल्दी इसका प्लान बनाएंगे क्योंकि मैंने सोचा कि अगर जब सिलीगुड़ी जाऊँगा तो उसके आगे फिर कोलकाता और भी रूट्स कवर करूंगा तो उतना लंबा प्लान अभी था नहीं. तो इसलिए ये वाला रूट अभी मैंने नहीं चुना था. पोखरा वाला रूट चुना था बट क्या करें दुर्भाग्यवश उस पर नहीं जा पाए, सीट अवेलेबल नहीं थी. और इधर खड़ी है अपनी DTC वाली वॉल्वो B8R BS6. तो जी मैं कर रहा हूँ स्वयंभू काठमांडू से बस में बोर्ड और निकल रहा हूँ काठमांडू से दिल्ली की तरफ. लेकिन आपको पता है कि आपको कहीं नहीं निकल रहा था क्योंकि मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बस जर्नी कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू टू कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली. फाइनली बस में बोर्ड कर लिया और क्योंकि नई नवेली वॉल्वो B8R BS6 वर्जन है तो बस है लाजवाब. सारी सीट एज यूजुअल वॉल्वो में रहती है. पुश बैक और जितनी भी नई वॉल्वो आ रही है ना उसमें जो सीटिंग का जो डिज़ाइन है और कंफर्ट है पूरा चेंज हो चुका है. अब जो सीटों में कंफर्ट मिलता है ना वो अलग ही लेवल का कंफर्ट मिलता है. बाकी हर सीट पर आपको मिलता है हैमर एमरजेंसी एग्जिट करने के लिए, इधर आपको मिल जाते हैं AC के ब्लोर, रीडिंग लैंप, थाई रेस्ट यहाँ पे नई मौजूद है, फुट रेस्ट मौजूद है, मैगजीन होल्डर है, बॉटल होल्डर है. बाकी पुश बैक का तो आपको मैंने बता ही दिया, बटन दबाओ और सीट को कर लो पुश बैक. बाकी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की बसेज रहती हैं या फिर गवर्नमेंट वॉल्वोज रहती हैं उनमें आपको इधर की साइड सीटें देखने को नहीं मिलती हैं. बाकी नई वॉल्वोज में जो ऊपर वाला लगेज कंपार्टमेंट है ना इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है और जो मेन लगेज कंपार्टमेंट है जिसमें आपके बड़े बड़े बैग आ जाएंगे वो है नीचे. बाकी वॉल्वो है तो CCTV की सर्विलेंस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, काफ़ी सारे CCTV रहते हैं, पार्किंग कैमराज पीछे रहते हैं ताकि बस को पार्क वगैरह करने में रिवर्स करने में कोई दिक्कत ना आए, पार्किंग सेंसर रहते हैं, ABS रहता है, EBS रहता है, EVS इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेबिलिटी रहती है, काफ़ी सारे फीचर वॉल्वो में रहते हैं. अभी आपको टेक्निकल टर्म गिनवाने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा बट मेन मुद्दे की बात है यार बस बहुत ही ज़्यादा शानदार है. बाकी हर सीट पर आपको देखने को मिल जाते हैं USB टाइप चार्जिंग पोर्ट. तो जी बस हमारी चलने के लिए तैयार है, सायरन बज चुका है, VIP वाली फीलिंग आ गई है. चलो जी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू. तो जी टाइम हो रहा है 10:15 और हमारी बस रवाना हो चुकी है काठमांडू से दिल्ली के लिए. और इधर मौजूद है हमारे साथ हमारे दो ड्राइवर साहब. ड्राइवर साहब आपका नाम?
सिंह। और सर आपका नाम? शेर सिंह। ओके, तो दो ड्राइवर साहब हमारे रहने वाले हैं जो हमें लेके जाएंगे काठमांडू से दिल्ली की तरफ। और दिल्ली से काठमांडू या काठमांडू से दिल्ली भले ही एक इंटरनेशनल बस जर्नी है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि ये जर्नी करने के लिए आपको किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक अपना पहचान पत्र, बोले तो वोटर आईडी कार्ड दिखा के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन भी रहती है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीज़ों से भी ट्रैवल करा जा सकता है या नहीं। तो आपको बता दूँ कि इन सब चीज़ से आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो कहीं ना कहीं वोटर आईडी कार्ड या पहचान पत्र से होती है। तो वही साथ कैरी करके लेके चलें, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। और दूसरी चीज़, जब आप एक तरफ से पासपोर्ट दिखा के एंट्री कर रहे हो, तो जब दोबारा आप आउट करोगे तो भी आप इमिग्रेशन पे अपना पासपोर्ट ही दिखाएं, अदरवाइज उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से आपने पासपोर्ट दिखाया और दूसरी तरफ से आपने पहचान पत्र दिखा दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पासपोर्ट पर इनकी स्टैंप लगेगी तो पासपोर्ट पर आउट की स्टैंप भी होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये सामने है नागडुंगा चेक पोस्ट और यहाँ पे रूटीन चेकअप बसेस का चलता है, यूजुअली बाहर की बसेस का। तो अभी बस की चेकिंग वगैरह यहाँ होगी और फिर आगे यहाँ से निकलेंगे। और भाई साहब, ये सामने काठमांडू का नज़ारे देखो, कितने शानदार नज़ारे हैं। देखो अभी काठमांडू वाले रूट पे ना काफ़ी काम चल रहा है, और बीच में जो रोड बन गई है वो कुछ इस तरह, जो भी आप देख रहे हो। तो इस तरह की रोड जब पूरे काठमांडू से लेके सनौली तक या रक्सौल तक बन जाएगी ना, तो भाई साहब फिर जो ट्रैवल करने में आनंद है ना, वो एक अलग ही लेवल का आएगा। बट उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस हो रही है, जैसे कि आपने जोशीमठ में सुना होगा कि जोशीमठ सिंक कर रहा है, जैसे जैसे रोड चौड़ी हो रही हैं, टनल्स बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट पहाड़ों पर पड़ता ही है। तो इंसान अपनी सहूलियत के लिए सारी चीज़ करता है, रोड बना रहा है, टूरिज्म भी पहुंचाना है, काम धंधे के लिए बाहर भी जाना है, रूट को फास्टर भी करना है, तो इन सब चीज़ों का यार इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है। जहाँ पे थोड़ी सहूलियत है वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट के लिहाज से देखोगे तो थोड़ा नुकसान भी, थोड़ा नहीं काफ़ी नुकसान है। वैसे होती तो नहीं उल्टी दे दो, लेकिन कोई बात नहीं। तो जगजीत जी यहाँ पे सबको, हाँ हो जाता है कई बार, तो जगजीत जी सबको यहाँ पे पॉलीथीन बांट रहे हैं। वैसे अपने को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन टाइम का क्या भरोसा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो सेफ्टी रखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे पब्लिक व्हीकल को और ख़ासकर नई नवेली वॉल्वो को तो बिल्कुल भी गंदा नहीं करना चाहिए। टोयोटा हाइस, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। भाई बहुत सारे पैसेंजर आते हैं इसके अंदर, मतलब बाहर से तो ऐसा लगता है कि ठसाठस पैसेंजर भरे हुए हैं। सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी है, कभी ट्रैवल तो नहीं करा बट मन है एक बार ट्रैवल करने का टोयोटा हाइस में। तो अभी दोबारा नेपाल आऊँगा तो इसमें एक बार ट्रैवल जरूर करूँगा। अगर आप में से कोई नेपाल में से वीडियो देख रहा है और इसमें कभी आपने ट्रैवल करा है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। टाइम हो रहा है 11:15 और हम पहुँच गए हैं अभी 9:20 से। सर आगे आपका पृथ्वी हाईवे। कौन सा हाईवे है? पृथ्वी हाईवे। अच्छा, पृथ्वी हाईवे। टावर आने वाले हैं जी सर। बस ने अभी छोटा सा हॉल्ट लिया है 9:20 में टी ब्रेक के लिए और फ्रेशन अप होने के लिए। इधर मौजूद है हमारे साथ बस के स्टाफ जगजीत जी। सर आपका नाम क्या था? शेर सिंह। और सर आपका नाम? गुरचरण सिंह। तो ये हमारे दो ड्राइवर साहब हैं और ये हमारे लाइन इंस्पेक्टर साहब हैं। लास्ट टाइम जब हम दिल्ली से काठमांडू और काठमांडू से दिल्ली गए थे तो सर को आपने देखा होगा और पूरे रास्ते ही हमें RRR मूवी दिखाते हुए गए थे। तो सर आपने इससे पहले कहाँ, मतलब कहाँ वॉल्वो वगैरह कहाँ चलाई है? सर उधर इंडो कैनेडियन में दिल्ली एयरपोर्ट चलते थे पंजाब। अच्छा। से जलंधर से। अच्छा, इंडो कैनेडियन में। इंडो कैनेडियन में चलते थे, उससे पहले तो महाराष्ट्र में नांदेड़ से पूना चलते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, स्लीपर पे। और सर जी आप? PRTC में। PRTC में पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट, अमृतसर से दिल्ली एयरपोर्ट। तो जी कोई PRTC
फैन अगर है तो कमेंट करके बता सकते हैं। सर पहले PRTC वॉल्व वगैरह चलाते थे। चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा नाश्ता वास्ता लगा हुआ है, इसको खाते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। और बाकी जी, नेपाल में मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी, मैं पिछली बार भी आया था तब भी नोटिस करी थी, कि मैक्सिमम चीज़ों के साथ ना आपको काले छोले जरूर मिलेंगे। अभी देखो ये चाऊचाऊ है, चाऊचाऊ के साथ में इन्होंने काले छोले मिला रखे हैं। वैसे आपको बता दूं, मैगी को यहाँ नेपाल में, मतलब मैगी का जो वेरियंट कह सकते हैं, वो चाऊचाऊ है यहाँ पर। टाइम हो रहा है अभी 12:30 और बस अभी पहुंची है गजूरी नाम की जगह पे। खोलो ट्यूबर्ग रमेर। तो भाई साहब, नेपाल में दो चीज़ ऐसी हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, एक टाटा हेस और दूसरी ड्रिंक। तो भाई जो पीने का शौकीन है उसके लिए तो भाई नेपाल एक नंबर जगह है। बाकी ऐसी बात नहीं है, जो नज़ारे एंजॉय करने के लिए आने वाला है या जिसको नेचुरल ब्यूटी से प्यार है यार, उनके लिए भी नेपाल स्वर्ग से कम नहीं है। देख रहे हो कितनी शानदार यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है। मतलब इस रूट पे मेरे 4 चक्कर अब लगने को हैं, अगर रिटर्न ट्रिप को इंक्लूड कर दे तो। और इतनी बार आने के बाद भी अब तक मन नहीं भरा है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। और ये गाड़ी आ रही है दिल्ली से काठमांडू, नेपाली बस सेवा। व्हाट अ जर्नी मैन। जब चलाने वाले और चलने वाली दोनों ज़बरदस्त हो तो भाई साहब सफ़र में आता है मज़े। चलाने वाले ड्राइवर और चलने वाली बस, ऊपर से वॉल्वो BS6 हो तो भाई साहब फिर क्या ही कहने। इससे पहले जब नेपाल आया था तो वॉल्वो B7R थी, मेंटेनेंस उसकी इतनी अच्छे से नहीं करी हुई थी, तो झटके झटके लेते हुए गई थी। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला था कि भाई साहब किसी एंगल से वॉल्वो नहीं लग रही है, लेकिन इस बार जो सफ़र अब तक हुआ है ना, बिल्कुल मक्खन ही मक्खन। और पाजी क्या चला रहे हैं यार, जबरदस्त भाई साहब, मज़े आ रहे हैं सफ़र में। तो बस रुकी है अभी मंजूश्री होटल, जगह का नाम है लेवटार, और लास्ट टाइम जब आए थे तब भी बस यहीं रुकी थी। तो अभी चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। बाकी मनोकामना देवी टेम्पल भी यहाँ जस्ट पास में ही है, उधर शायद आपको कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, बट उधर ना टावर्स लगे हैं, वो टावर्स पर क्या है केबल कार जाती है और आपको ऊपर मनोकामना देवी टेम्पल तक लेकर जाती है। तो कभी मौका मिलेगा तो उधर भी जाएंगे, बट अभी तो फिलहाल खाना खाते हैं अंदर चल के। तो जी, इधर थाली लगवा ली है, 250 रुपये की ये वैस थाली है, जिसमें पापड़ हैं, चावल है, साग है, आलू गोभी की सब्जी है और दाल है। खाना वाना खा लिया, और नेपाल का खाना यार मुझे तो ओके लगता है, क्योंकि नेपाल का जो खाना है ना बहुत सिंपल सादा कम मिर्च मसाले वाला होता है, और हम दिल्ली वाले हमें थोड़ा चटपटा तीखा मसाले वाला खाना खाना ज़्यादा पसंद होता है। हो सकता है इस वजह से भी हमें पसंद नहीं आता, लेकिन अगर आप सादा खाने के शौकीन हो, सिंपल खाना आपको पसंद है, तो यहाँ का खाना आपको अच्छा लग सकता है। वैसे खाना में टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन सिंपल सादा खाना रहता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा हम दिल्ली वालों को खाना यहाँ का थोड़ा सा
ओके ओके लगता है। बाकी रेस्ट स्टॉप की हाइजीन बहुत बढ़िया है, कभी यहाँ से गुजर रहे तो यहाँ पे खाना खा सकते हो, यहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुक सकते हो। नेपाल का खाना तो मुझे ओके ओके लगता है, लेकिन नेपाल की सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे लगती है ना वो है यहाँ के लोग। भाई साहब यहाँ के लोगों से इतना प्यार मिलता है, पिछली बार भी जब नेपाल आया था तो यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, चाहे वो वीडियो पे हो चाहे जितने लोग मुझे मिले हो, भाई हंस मिजाज टाइप के लोग होते हैं और मस्त बंदे होते हैं, और हमारे साथ उन्हीं मस्त बंदों में से एक मौजूद हैं। हेलो भाई साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई साहब। क्या नाम है भैया आपका? रॉबिन। रॉबिन जी जी। तो भैया हमें बस में मिले, ये भी सफ़र कर रहे हैं दिल्ली का, और भैया रहते हैं पंजाबी बाग और हम रहते हैं करमपुरा, तो पास पास वाले मिल गए तो भाई क्या ही कहने। हाँ वैसे भैया काठमांडू गए लेकिन रहते पंजाबी बाग में है ना। अच्छा, मुगलिंग से पोखरा के लिए रास्ता निकलता है ना? जाओगे आपको मुगलिंग एक रास्ता मिलेगा, अगर आप लेफ्ट से जाओगे नारायणगढ़। अच्छा अच्छा, मतलब एक रास्ता नारायण घाट के लिए निकलता है और एक मुगलिंग से आगे पोखरा के लिए निकल जाता है। अच्छा, देखो ये सामने आपको ना टावर दिखाई दे रहे होंगे, अब यहाँ से रोप पे जाता है ऊपर और जो आपको लेके जाता है मनोकामना देवी टेंपल पे। और मैं तो गया नहीं हूँ, भाई गए हैं तो बता रहे हैं कि बहुत शानदार व्यू आता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है ना, ये मनोकामना देवी टेंपल का एंट्रेंस है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो ये सारा मुगलिन है। लो जी, अभी आपको मुगलिन के बारे में बता रहा था और मुगलिन में ही बस रुक गई है, वो भी छोटी मोटी देर के लिए नहीं, डेढ़ घंटे के लिए। एक्चुअली क्या है कि नारायण घाट वाला जो रास्ता है वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, तो डेली का रूटीन थोड़ा सा यहाँ पे अभी सेटअप हो रखा है कि 4 बजे ही आगे आपको जाने देते हैं, तो 4 बजे रास्ता खोलेगा और फिर हम यहाँ से आगे जा पाएंगे। तो अभी डेढ़ घंटा यहाँ वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हो रहे हैं 2:30। भाजी फिर ये डेली 4 बजे ओपन होता है रास्ता? सर ये डेली 4 बजे ओपन होता है, 12 बजे बंद कर। अच्छा, 12 बजे बंद हो जाता है मुगलिंग और नारायण घाट के। अच्छा, जब तक रास्ता बंद नहीं जाता तब तक ऐसे ही सिनेरियो रहने वाला है? जी सर, जब तक ये रास्ता बनता है तब तक यही प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, आपको वैसे आपको कितना टाइम हो गया रोड पे भी चलाते हुए? इधर तो ये सर जब से ये गाड़ी नई गाड़ी आई है ना, 1.5 महीना। हाँ जी, 1.5 महीना होगा। पहले दूसरा गाड़ी था ना वो पुराना गाड़ी, तो वो निकाल दी, अभी नए गाड़ी। लेकिन हैट्स ऑफ है आपको, आप जिस तरीके से चला रहे हो ना, मतलब ऐसा लग रहा है इस रूट पे चलते चलते आपको बहुत सालों साल हो गए हैं। अच्छा, हाँ बढ़िया तरीके से चला रहे हो आप, मस्त मजे आ रहे हैं सफर करने में। साउथ कैंपस, साउथ कैंपस। तो जी टाइम हो गया 4:10 और 4 बजे के आसपास रास्ता खुलना था, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला है। प्रॉब्लम ये है कि जो सनौली बॉर्डर है ना उसकी भी एक लिमिट है, वो भी करीबन 9-9:30 बजे तक ओपन रहता है। अगर उस टाइम तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तो पूरी रात हमें बॉर्डर पे भी बितानी पड़ सकती है। अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ तो अभी भी कतार बना के खड़ी हुई हैं। भाई साहब ये काम नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि बस चाहे जितनी मर्जी कम्फर्टेबल हो लेकिन खड़ी बस में रात गुजारना भाई साहब बहुत बुरा नाइटमेयर हो सकता है। तो जी करीबन 4:20 पे अभी रास्ता खुला है और अभी हम फिर से निकल पड़े हैं जर्नी पे, और अभी हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से निकलते हैं 2 रास्ते। ये वाला रास्ता निकल जाता है नारायण घाट की तरफ और ये वाला रास्ता निकल जाता है पोखरा की तरफ।
और ये सामने आप जो खूबसूरत सी नदी देख रहे हो इसे बोलते हैं नारायणी नदी। वो सामने देखो बस कहाँ बिल्कुल कोने पे लाके खड़ी हुई है। अभी वॉशिंग हो रही है, क्या हो रहा है वो मेरी समझ नहीं आ रहा। टाइम हो गया 9:38 और मैं हूँ अभी सनौली बॉर्डर पे। वो सामने जो आप बॉर्डर देख रहे हो वो नेपाल साइड का बॉर्डर है। इस साइड आप ये जो बॉर्डर देख रहे हो ये इंडिया साइड का बॉर्डर है। तो अभी यहाँ पे सामान वगैरह चेक हो रहा है, वो चेकिंग वगैरह जब हो जाएगी फिर वो क्लियर करके हम आगे निकलेंगे। तो 4:30 के करीब रास्ता खुला था मुगलिंग से और 5:30 के आसपास मैंने चेक करा था सनौली बॉर्डर पहुंचने का, जो गूगल पे टाइमिंग था ना वो करीबन 4:30 घंटे दिखा रहा था और अभी टाइम हो रहा है 9:50। तो करीबन 4:30 घंटे में बिल्कुल गूगल मैप से मैच करते हुए पाजी ने सनौली बॉर्डर पर पहुँचा दिया। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और अगर मुश्किल होता तो सनौली बॉर्डर बंद हो जाता और हमें रात यहीं पर स्पेंड करनी पड़ती, लेकिन खुशखबरी है कि सनौली बॉर्डर पहुँच गए। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू इंडिया। तो इस बार इंडिया नेपाल बॉर्डर पर ज़्यादा टाइम अपने को नहीं लगा। वैसे आपको बता दूं कि बॉर्डर पर आप आसानी से अपनी करेंसी इंडिया से नेपाली या फिर नेपाली से इंडियन में चेंज करा सकते हैं और सिम अगर आपको रिक्वायर्ड है नेपाली तो वो भी आप बॉर्डर से ले सकते हैं। बाकी बस अभी पीछे इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस में भी रुकी थी जहाँ पर वोटर आईडी कार्ड वगैरह चेक हुई थी। तो जी सनौली बॉर्डर अभी हमने क्रॉस कर लिया है और बस रुकी है खाने के लिए खालसा पंजाबी ढाबा पे। जगह है लक्ष्मीपुर, डिस्ट्रिक्ट है महाराजगंज। इधर सामने स्कूल है राजीव गांधी विद्यालय और इधर है सामने ये ढाबा। तो चलिए जी खाना खाते हैं पहले। तो जी खाना वाना खा लिया है, खाना ओके था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था और ज़्यादा खास भी नहीं था। बाकी रेस्ट ऑफ हाइजीन की बात करें तो वो भी एवरेज ही थी, तो अभी पेट का काम 25 हो गया है। तो चलिए जी यहाँ से निकलते हैं। जल्दी गाड़ी रोक के रही नहीं, हमारा पहले से हालत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लखनऊ। टाइम हो गया 5:50 और रात में जो नींद आई है ना भाई साहब, फर्स्ट क्लास। क्या आया क्या गया कुछ पता नहीं चला। अभी सुबह जब लखनऊ आया फिर सीधा नींद खुली है और लखनऊ में नींद अभी जब खुली है तो लखनऊ क्रॉस करके हम पहुंचे हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। छोटा सा हॉल्ट लिया है यहाँ पे टी ब्रेक के लिए। गुड मॉर्निंग ड्राइवर साहब। गुड मॉर्निंग। और कैसा रहा रात को सफ़र? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रात को कौन कौन सी जगह क्रॉस करी फिर हमने सनौली बॉर्डर के बाद? सनौली बॉर्डर के बाद गोरखपुर, बास्ती, अयोध्या, फैजाबाद और लखनऊ। अच्छा अभी पहुँच गए हैं लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। हाँ जी। तो ये ऐसी ठंड और पकौड़े खाने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो अभी पकौड़े वकौड़े लगवा दिए हैं यहाँ पाजी ने, पकौड़े खा रहे हैं अभी।
रेस्ट स्टॉप एट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। और भाई साहब क्या कमाल का ये एक्सप्रेसवे है। ये कुछ रेस्ट स्टॉप है अपना फूड किंग प्लाजा। तो इधर कॉफ़ी अभी मैंने ली है, कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। और बाकी देखते हैं कि यार आज हम कितने बजे तक दिल्ली पहुँच पाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पहुँचते आज थोड़ा सा देर हो जाएंगे, क्योंकि जो कल जाम में फंसे हैं ना, रास्ता जो बंद था, तो उस चक्कर में 1.5-2 घंटा तो हम करीबन लेट हैं। बाकी देखते हैं कि रात को कितना रिकवर हम कर पाए और दिल्ली कितने टाइम में हम पहुंच पाते हैं। तो जो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि इतनी लंबी बस जर्नीस के दौरान बस में टॉयलेट वॉशरूम जैसी सुविधा नहीं होती, तो इतनी लंबी जर्नी कैसे हो पाती है, तो आपको बता दूं सुबह से 3 हॉल्ट लिए जा चुके हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग में लिया गया था पैसेंजर की रिक्वेस्ट पे, दूसरा ऑफिशियल हॉल्ट था जो कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पे फूड प्लाजा पे था, और तीसरा अभी खाने के लिए, क्योंकि बस रुकी है ब्रिज रसोई ढाबा नियर मथुरा। तो 3 जगह बस रुक चुकी है सुबह से, तो एज सच वॉशरूम वगैरह की इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जी एक थाली लगवा ली जिसमें नान है, दाल है, आलू गोभी की सब्जी है, छोले हैं और चावल है। तो जी पहले भोजन ग्रहण कर लेते हैं, चलिए। तो जी खाना खा लिया है, खाना ठीक ठाक था, रेस्ट स्टॉप की हाइजीन भी ठीक है, लेकिन वॉशरूम की जो हाइजीन है वो थोड़ी सी बिलो द एवरेज है। तो अभी दिल्ली यहाँ से करीबन 167 किलोमीटर और बसता है। सो कल निकले थे काठमांडू से और अभी फाइनली एंटर कर रहे हैं हम दिल्ली में, क्योंकि ये जो गेट आप देख रहे हो ये नोएडा का एंट्रेंस गेट है, और उसके बाद कहीं ना कहीं सीमा शुरू हो जाएगी दिल्ली की। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिल्ली। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर, अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके। चलो ठीक है सर, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करके। ओके जगजीत जी, ठीक है शेर सिंह जी, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ड्राइविंग करी सर आपने। ऑलराइट जी, तो 29.5 घंटे की जर्नी पूरी करके मैं पहुंच गया हूं कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू टू कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। टाइम वैसे अभी हो रहा है 3:25 और मैं हूँ अभी अम्बेडकर टर्मिनल में। और भाई साहब एक चीज़ तो है, DTC की इस वॉल्वो में सफ़र करके ना पूरी VIP वाली फीलिंग आती है, क्योंकि बत्तियाँ जलती है, सायरन जलते हैं, तो लोग ऐसे मुड़ मुड़ के जब देखते हैं ना, तो पूरी VIP वाली फीलिंग तो आ ही जाती है। और न्यू वॉल्वो B8R BS6 मॉडल है, तो भाई साहब कम्फर्ट एक नंबर, जर्नी ज़बरदस्त, तो मतलब बहुत ज़्यादा इस जर्नी में हमें मज़े आ गए। बाकी अभी 26 जनवरी आने वाली है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वजह से ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा बहुत शॉट आप ले लो, बाकी जाके बाहर फिनिश अच्छे से कर लेना। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और घर जाके बाकी बात करते हैं। तो
तो जी अभी मैं पहुंच गया हूं अपने घर और जर्नी के दौरान सारी चीज मैंने आपको दिखाई दी, चाहे वो रोड की कंडीशन हो, रेस्ट स्टॉप पे फूड और रेस्ट स्टॉप हाइजीन हो, या फिर हो शानदार नज़ारे, चाहे वो नेपाल के पहाड़ों वाले खूबसूरत नज़ारे हो या फिर इंडिया के शानदार एक्सप्रेसवे वाले नज़ारे हो। बाकी आपको बता दूं कि अगर आपको दिल्ली से काठमांडू डीटीसी की बस में जर्नी करनी है तो अंबेडकर टर्मिनल जहां पे हम उतरे थे वहीं से आपको बस में बोर्ड करना पड़ेगा। और डीटीसी की बस ऑल्टरनेट डेज में चलती है। ये है डीटीसी का कार्ड जिसपे बुकिंग वेबसाइट भी मेंशन है, dtcbooking.in, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की वॉल्वो दिल्ली से काठमांडू के लिए जाती है, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को ये बस आती है काठमांडू से दिल्ली। बाकी टीटीएस में अगर दिल्ली से काठमांडू जाने की बात करें तो यहाँ से चलती है नेपाल गवर्नमेंट की बस जो कि टाटा मार्को पोलो की रहती है। भाई साहब वॉल्वो और टाटा मार्को पोलो में तो आपको पता है कि जमीन आसमान का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि वॉल्वो वॉल्वो होती है, वॉल्वो का कम्फर्ट यार क्या ही कहना। तो अगर आप वॉल्वो में सफर करना चाहते हैं दिल्ली से काठमांडू का, तो dtcbooking.in से टिकट बुक कर सकते हैं और अंबेडकर टर्मिनल से बस में बोर्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल मुझसे मिस हो गई है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। सो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खालियात नहीं जाना होता, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।